Hello everyone. Good evening. Hello. Good evening, people. Good evening, everyone. Let's wait for some time. कुछ देर रुकते हैं. कुछ लोगों को और ज्वाइन करने देते हैं एंड देन हम लोग जो है आज का इंट्रैक्शन जो प्रोग्राम है उसको कुछ देर में शुरू करते हैं. से लेट्स वेट फॉर अनदर मेबी 5-7 मिनट्स. एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है आप लोगों को? हाँ, अगर आवाज नहीं आ रहा बोलने से प्लीज बता देना. इन केस आवाज आ रहा है बोलने से प्लीज से यस. थैंक यू. हाँ, आवाज आ रहा है बोला. सो गुड इवनिंग पीपल. एंड अगर आप लोगों के पास में कुछ क्वेरीज है, ये जो आज का पोस्ट पोल जो इंट्रैक्शन सेशन है, यू कैन स्टार्ट पुटिंग योर क्वेश्चंस. आप लोग अपने सवाल जो है डालते रहना. एंड मीनवाइल यहाँ बहुत सारी चीज मुझे बात करने हैं आप लोगों के साथ में, तो दैट विल बी टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स. और उसके बाद आप लोग के पास में कुछ क्वेश्चंस होता है बोलने से, सम ऑफ द क्वेश्चंस आई विल टेक अप एंड we'll have a discussion. Like this is a online interaction kind of thing, and I have something to tell you people. And so we'll be waiting for another 2 to 3 minutes. 2-3 minutes और वेट करते हैं. जितने भी लोग अभी तक जुड़ा हुआ है, हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे? समवन इज आस्किंग मी हाउ इज योर हेल्थ. ब्रदर, आई एम डूइंग जस्ट फाइन. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. ऑल थैंक्स टू यू पीपल एंड पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश. आप लोग बहुत प्यार दिखाया, आप लोग बहुत दुआ दिया. आप लोगों का ऐसे आशीर्वाद और प्यार के कारण से आई एम डूइंग परफेक्टली फाइन. थैंक यू सो मच एंड आई होप यू पीपल एवरी वन इज डूइंग ओके एंड यू आर हेल्दी अलोंग विथ योर फैमिली. इन केस माई वॉइस इज नॉट ऑडिबल, आप लोग मेरे से प्लीज बता देना अगर ऑडिबल नहीं होने से. बिफोर वी स्टार्ट, हम शुरू नहीं करने से पहले आई कैन एडजस्ट द साउंड. सूर्य आदित्य बैनर्जी, थैंक यू सो मच सर. गुड इवनिंग टू यू एज वेल एंड टू एवरी वन हु हैज ज्वाइन सो फार. आई विश यू पीपल आर डूइंग फाइन एंड एवरीथिंग इज ओके विद इन योर फैमिली. सो बेसिकली हम लोग जो आज का जो पोस्ट पोल इंट्रैक्शन प्रोग्राम है, इस चीज को विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. अगर आप लोग पास में कुछ भी क्वेरीज होगा, आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में डालते रहेगा. आई विल ट्राई एंड एड्रेस आप लोगों के क्वेश्चंस को.
सो गुड इवनिंग सभी को. माय नेम इज तेची राणा. आप लोग का एमपी कैंडिडेट फ्रॉम वन अरुणाचल वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से, पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके तरफ से 18 लोकसभा में एक एमपी के तौर पे इंडिपेंडेंट के तरफ से, और पेन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी है उसका जो ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पे ये जो चुनाव था जो कल ही खत्म हुआ उसमें आई एम ए कैंडिडेट. सो बेसिकली आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू पीपल, जो भी मेरा सपोर्टर्स रहा, वेल विशर्स रहा, एंड देन अरुणाचल के जितने कोने से आप लोग जो है बहुत लोग आगे आके बहुत प्यार दिया मुझे, उसके बारे में मैंने मैं सोचा कि आप लोगों के साथ एक बार लाइव सेशन में आके इंट्रैक्शन करके बातें करके आप लोगों से इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करें. सो वंस अगेन दिस इज ए लाइव इंट्रैक्शन प्रोग्राम पोस्ट पोल एंड विद एन ऑब्जेक्टिव with a gratitude and with lots of greetings to everyone who has shown so much effort, so much strength, so much resilience in standing up and delivering your standard. Arunachal ab badlav ke liye ready hai, uske liye aap logon ne itna samarthan kiya from various corner. Ye jo kuch 18-20 days ka jo jo daur raha उसमें पूरा अरुणाचल ने मुझे इतना प्यार दिया कि इन एनी कैपेसिटी जो है आई वुड नॉट बी एबल टू रिपे बैक. जो अरुणाचल के हर एक कोना से जितना जगह मैं पहुंचा हूँ वहाँ तो मुझे मिला ही है. एंड देन यहाँ जो जो पोल का जो जिस दिन वोटिंग हुआ उस समय में जो रेस्पॉन्स आप लोगों ने दिया बहुत बढ़ चढ़ के, चाहे अरुणाचल के किसी भी कोने से हो. कुछ लोग जो है ईस्टर्न पार्लियामेंट में होके भी they have sent their regards and greetings. तो ईस्टर्न लोगों ईस्टर्न अरुणाचल के सभी लोगों को भी मेरे तरफ से टीम तेची राणा की तरफ से थैंक यू सो मच, जो मोरली आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया इस कोर्स को. हमें खेद है कि आप लोगों को भी वहाँ से इक्वल रिप्रेजेंटेशन हम नहीं कर पाए, लेकिन हमारे तरफ से कोशिश था कि हम दोनों साइड के लोगों को पूरा अरुणाचल को एकजुट होकर उनको एक मौका देना चाहते थे, लेकिन फॉर सम रीजन दैट कुडंट हैपन. But more or less, it has been a great journey so far. So यहाँ देखा गया कि ये जो election का जो polling है इसमें आप लोग जो है बढ़ चढ़ के एकदम overwhelmingly बहुत प्यार मिला मुझे, बहुत आप लोगों ने साथ दिया. तो मैं शायद से बहुत लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा, but then I would say that अरुणाचल has shown, अरुणाचल ने ये प्रूव किया कि जब अगर आपका जो लीडर है आप लोग जो अपना काम नहीं करते हैं तब अरुणाचल जो है आगे आके एक साथ होके, स्पेशली यहाँ का यूथ जो है, यहाँ का माँ पिताजी जो है, यहाँ का पढ़ा लिखा लोग जो है, यहाँ का सोशल एक्टिविस्ट जो है, यहाँ का हर एक कोना से, ये अरुणाचल एक पढ़ा लिखा, एक विजनरी, एक सोच, एक बदलाव को रखने के लिए गलत को जो गलत हुआ उसके ऊपर में आवाज उठाने का ताकत रखता है, बोल के आप लोगों ने प्रूव किया. तो उसके लिए पूरा अरुणाचल को जो है आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल, एंड माई टीम टीम तेची राणा एंड द एंटायर टीम ऑफ पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी, आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग जो है हमारी जो कोशिश है, हमारी जो एफर्ट है, हमारी जो विजन है, इसका साथ जो है आप लोग रिलेट कर पाया और हमारे साथ अनकंडीशनल सेल्फलेस होके बहुत लोग दूर दराज से भी जहाँ अनकंटेस्ट भी हुआ वहाँ भी आप लोग जाके वोट कर अपने जो वोटिंग राइट्स है एक सही लीडर को और अरुणाचल में एक चेंज लेके आने के लिए आप लोग जो है बहुत जोरदार से आगे आके पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक यू सो मच. एंड आई एम अगेन वंस अगेन वेरी 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 ओवरवेल्म्ड दैट ऐसा रेस्पॉन्स जो सपना में भी शायद से किसी ने सोचा नहीं था, और इतना कम समय में आप लोग का जो प्यार है ये शायद से कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई एक जो अथॉरिटी में है इन लोग शायद से कभी इमेजिन भी नहीं कर पाया था. तो थैंक यू सो मच, स्पेशली द यूथ्स ऑफ अरुणाचल, यू पीपल हैव प्लेड द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन ट्रू सेंस. आप लोग जो एक कैटलिस्ट का रोल प्ले किया, जो एक प्रोसेस हमने, एक विजन हमने आपके सामने रखा, उस मैसेज को अक्रॉस अरुणाचल उसको फैलाने में, अपने माँ पिताजी जो बस्ती में दूर दराज में रहता है इन लोगों तक भी पहुँचाने में आप लोगों ने बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले किया. एंड उसके लिए I am really indebted and I'm really happy that अरुणाचल का जो युवा है, जो यहाँ का जनता है, पढ़ा लिखा लोग जो है, आप लोग जो है अपना रोल को बखूबी से आगे
निभाया एंड एंड आई होप, मेरा ये उम्मीद है कि ये जो ट्रेंड इसमें जो शुरू हुआ ये अब यहाँ से रुकेगा नहीं। अभी जो है हमारा यूथ ने दिखाया कि अरुणाचल नीड्स चेंज और यहाँ का पब्लिक चेंज के लिए रेडी है, और आप लोग जो है ये जो सीड ऑफ चेंज, एक बदलाव का एक कोशिश जो है, इस बार को आप लोगों ने उस सीड को, उस विजन को आप लोगों ने इस बार बोया है, लगाया है। अब ये आगे जाके सिर्फ और सिर्फ एक अरुणाचल को एक बेहतर समाज बनाने में आप लोग बस इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आउटकम आएगा। एंड वी हैव टुगेदर, यू एंड आई एंड आवर टीम टुगेदर हैज रियली स्टेप अपॉन द थॉट, द फीलिंग्स, द फ्रस्ट्रेशन दैट यू हैव, उस चीज को दिखाने में आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। सो थैंक यू वंस अगेन, स्पेशली द यूथ, वंस अगेन आई एम मेंशनिंग द स्टूडेंट्स कम्युनिटी, द डिप्लॉयड कैंडिडेट्स ऑफ अरुणाचल, स्पेशली द APPSC एंड APSSB जो रिक्रूटमेंट है, वहाँ के डिप्लॉयड कैंडिडेट्स लोग हैं, आप लोग जो है अपने आवाज को बहुत बुलंद रखने में एकदम बहुत कोशिश करके सक्षम रहा, कैपेबल रहा, एंड देन उस चीज को प्रूव भी किया कि अरुणाचल इज नॉट हैप्पी, द यूथ ऑफ अरुणाचल इज नॉट हैप्पी। एंड विद डैट उनका पेरेंट्स, उसका माता पिताजी जो है, पेरेंट्स के माता पिताजी का जो दुख दर्द है उसको भी आप लोग जो है बयां किया है। सो वंस अगेन आई एम रियली मूव्ड एंड आई एम रियली टच्ड बाई योर रेस्पॉन्सेस, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अरुणाचल। आप लोग जो है हर जगह से मुझे और मेरे टीम में एक विश्वास दिखा के, इतना प्यार दिखाने के लिए। एंड मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस, थोड़ा सा उसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बट देन देर आर सर्टन थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू हाईलाइट, कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जो टर्न आउट है, जितना लोग आगे आके जो वोट करना चाहिए था, एलिजिबल जो वोटर्स है, उसका टर्न आउट जो है अरुणाचल में इस बार देखा गया है कि वो बहुत एनकरेजिंग तो नहीं था, आई वुडंट से इट वॉज बैड, खराब है बल्कि नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बेहतर हो सकता था, क्योंकि स्पेशली इन द ICR रीजन एंड अनकंटेस्ट एरिया लुक में ये देखा गया है कि ये देखा गया है कि बहुत सारे वोटर्स जो है वो आगे आके वोट नहीं किए, स्पेशली इन द ICR रीजन। आई हैव नोटिस ICR में जितना भी पोलिंग, 72 पोलिंग स्टेशन है ईटानगर कैपिटल रीजन में, 19 कल का दिन जो है आई वॉज मेकिंग राउंड, उसमें राउंड लगा रहा था, तो बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में विजिट करने का ये दिखाई दे रहा था कि एनरोल्ड जो है, जो एनरोल्ड वोटर्स है, अगर वो 1200 है, अगर 1200 एनरोल्ड वोटर्स था, 1200 में से मुश्किल से 400-500 लोग आ रहे हैं, मतलब 50% है। और ये बहुत सारे एक पोलिंग स्टेशन में था बल्कि नहीं, ये ऑलमोस्ट सब में इट वॉज ए ट्रेंड, तो उसको देख के थोड़ा सा मुझे ताजुब हुआ। स्पेशली दिस टाइम, इस बार जो है ये इससे ज़्यादा और स्पेशल इसलिए था क्योंकि अरुणाचल में सही मायने में पॉलिटिकल रिवोल्यूशन को लेके आने के लिए एक अपॉर्चुनिटी था, तो उसमें जो है 20% 30% वोटर्स आगे आके वोट कर रहा था, तो आई वॉज लिटिल सरप्राइज, आई वॉज टेकन बैक, आई वॉज रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मैं सोच रहा था कि आगे आपने लोग बहुत जोर जोर से आगे आके इसमें वोट अपना कास्ट करेंगे, लेकिन जहाँ तक रिपोर्ट मुझे मिला, जो एवरेज जो टर्न आउट था, जो वोटर्स का जो एवरेज टर्न आउट था, दैट वॉज अराउंड 38%, 35-38%, मतलब 40% लोग भी आगे आके वोट नहीं किए। तो आई थिंक ये सब चीज़ को भी आप लोग जो है सोचना है, क्योंकि आप लोगों को पास में एक राइट मिलता है 5 साल में एक बार उसको करने के लिए, अपना सही लीडर को पहचानने के लिए, तो आप लोग जो है उस राइट्स का, उस जो अपना प्रिविलेज है, उस चीज़ को सही मायने में यूज़ करने का प्रयास कीजिएगा। एंड आई थिंक थ्रू दिस ऑनलाइन इंट्रैक्शन सेशन, आई वुड लाइक टू सेंड ए क्लियर कट मैसेज, एक संदेश, एक पैगाम आप लोग तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो राइट्स का, इसका मिसयूज नहीं होने देना, इसका अगर आपका पार्टिसिपेशन नहीं रहता है तो इसका फ़ायदा कोई और लेके चला जाता है, क्योंकि कहीं इलेक्शन के बाद किसी न किसी को तो आपके वो पोजिशन को फिल करना होता है, और कोई ना कोई लीडर जो है आपका लीडर बन के आता है, लेकिन अगर आपका पार्टिसिपेशन 100% होने से आप तय कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे लीडर चाहिए, कौन आपका लीडर होना चाहिए,
ये जो आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है, इसको कभी खोएगा मत दोबारा। जो आगे जाके अगर दोबारा इलेक्शन में वोटिंग करने का जो मौका मिलता है, बढ़ चढ़ के इस डेमोक्रेटिक राइट्स का भरपूर फायदा उठाना और अपना लीडर को चुनने में कोई कसर मत छोड़ना। क्योंकि अगर आप लोग पढ़े लिखा लोग जो है सोच समझ के जान के, अगर आप लोग इस बार ऐसे में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कोई गलत लीडर ही आएगा और आप लोग को फिर से अरुणाचल को एक गलत डिरेक्शन में लेके जाएगा, मिसगाइड करेगा। तो वो मौका आप लोग बिल्कुल देना नहीं चाहिए, ऐसे हम समझते हैं। सो हैविंग सेड दैट, ये जो इलेक्शन जो कल कंक्लूड हुआ है उसमें हम आशा करते हैं कि पूरा अरुणाचल जो है, आप लोग जितना लोग भी वोट किया है आगे आके, तो आप लोग जो है सही लीडर को ही वोट कर अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए वोट किया होगा। एंड ऐसे नहीं होना है कि कल को आगे जाकर फिर रिग्रेट हो जाएगा कि 500 1000 रुपए के लिए या फिर अपना आलसीपन के लिए मैं वहां अनकंटेस्ट हुआ, इसलिए मैं जाके वोट नहीं करूंगा अपनी जगह में क्योंकि मेरा एमएलए अनकंटेस्ट है। ये सोच के अगर आप लोग वोट नहीं किया बोलने से, तो शायद से इसका भुगतान भी पूरा अरुणाचल को एक साथ ही करना पड़ेगा। एंड आई होप कि ये सब चीज दोबारा ना हो। बट देन यहाँ जो कल का जो इलेक्शन है, जो पोलिंग जो वोटिंग कल हुआ था, बहुत जगह से मुझे इनपुट्स और बहुत सारा डाटा कलेक्शन बाद में एनालिसिस करने के बाद में कुछ 3 4 चीजें हैं जो सामने आया। कुछ इस चीज को हम और अरुणाचल पूरा आप हम मिलके इस चीज को सोचना है कि इस चीज का हम लोग को सोल्यूशन, इसका समाधान कैसे निकलना है। सपोज आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द इलेक्शन पोल माल प्रैक्टिसेस। जो इलेक्शन में गड़बड़ी होता है उसमें जो है बहुत सारा जगह से मुझे ये केसेस रिपोर्ट किया गया। एंड आई वाज इन कांस्टेंट टच, मैं कॉन्स्टेंटली वहाँ का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन जो ऑफिसर है डीईओ, जो हमारे डीसी रहता है अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 16 डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है उसमें कॉन्स्टेंटली टच में था। और वहाँ का जो वेरियस जो पोलिंग स्टेशन में बहुत सारा इलेक्ट्रोल माल प्रैक्टिस चल रहा था, उसको लेके बहुत सारा तरीका तरीका का प्रेशर और माल प्रैक्टिस करने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे। और उसका कंप्लेंट्स मुझे हमारे वोटर्स लोग का थ्रू, हम लोग सपोर्टर्स के थ्रू मेरे पास पहुंच रहा था। बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट सम ऑफ द माल प्रैक्टिस दैट वॉज रिपोर्टेड वॉज जो इनडायरेक्ट वोट कैप्चरिंग, इनडायरेक्ट वोट कैप्चरिंग बहुत ज्यादा से हो रहा था। वेन आई से जब मैं इनडायरेक्ट वोट कैप्चरिंग बोलता हूँ, तो ये इस चीज पे पॉइंट करता है कि यहाँ प्रॉक्सी वोटिंग जो है बहुत जोरदार से बहुत तरीका से हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। तो प्रॉक्सी वोटिंग जो है ये इस तरीका से, जैसे कि इफ आई एम, जैसे मैं टेची राणा, इफ आई एम आई हैव नॉट गोन टू माई प्लेस, जहां तक मैं पहुंच के अपने बस्ती जाके वोट नहीं मार पाया किसी भी रीजन से, आई वॉज एबसेंट, मैं नहीं पहुंच पाया, तो मेरा नाम का वोट किसी ने वहां मार दिया, ये प्रॉक्सी वोटिंग बोलता है इसको। या तो वहां ये भी देखा गया कि इस बार लोग वोट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पे पहुंचा, लेकिन अंदर जा के पता चलता है कि उसके नाम से किसी और ने ऑलरेडी वोट डाल के रख दिया। तो ये बहुत ज्यादा इस बार हुआ, स्पेशली ये इस कंटेक्स्ट में हुआ क्योंकि यहाँ जो है जो रूलिंग पार्टी है, यस बीजेपी, रूलिंग पार्टी का जो एमपी का कैंडिडेट है, वो आपको पूरा अरुणाचल को पता है कि ही इज वन ऑफ द लोएस्ट परफॉर्मिंग एमपीस इन इंडिया। जो रैंकिंग निकला है हमारे किरण रिजिजू सर और कपिल राव सर जो है, जो जो एक्टिव पॉलिटी मेंबर पार्लियामेंट में से, उसका रैंकिंग में एकदम लास्ट में किरण रिजिजू और कपिल राव सर होता है। तो ये जो अपना रूलिंग जो एमपीस है उसको बचाने के लिए इस बार जो है देखा जाए कि बहुत सारे जगह में अनकंटेस्ट एरियाज में, एक तो सबसे पहले अनकंटेस्ट कराए ताकि यहाँ का जो वोटर्स है इनको उनका जो पोलिंग एजेंट्स है रेस्पेक्टिवली खुद खड़ा होकर उसके लिए अपना एमपी के लिए वोट करने के लिए, ये पहला कोशिश कर रहा था। एंड देन वहां में जब पहुंच के देखा है तो इवन इन अ वेरी एडवांस सोसाइटी, बाकी जगह तो पूरा अरुणाचल में हो ही रहा था, लेकिन एक बहुत अनोखा चीज जो देखा है इस पर, बहुत यूनिक और अलग किस्म का चीज जो देखा है, वो हमारा जीरो वैली में दिखा गया है सबसे एडवांस सोसाइटी में। और ये जो है कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत सरप्राइज किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारा जो अपतनी कम्युनिटी है वो सबसे एडवांस है और अच्छा सोचते हैं, अच्छा व्यवहार का है, इंटेलेक्चुअल है, जो डिसीजन है वो सोच समझ के लेते हैं और कम से कम अपने लीडर को है सेलेक्ट करने में कहीं
किसी भी प्रेशर में आके गलत डिसीजन नहीं लेता है। बट एन अनकंटेस्ट होने का जो सिनेरियो है उसका कारण से इस बार जो है एक उसका भी इफेक्ट जीरो में भी देखा गया है। वहां ये देखा गया है कि वहां का जो लोकल एमएलए है उसको अनकंटेस्ट करने के कारण से वहां में जो जो एमपी का वोट है उसको बहुत लोग जो है वो कर रहा था अपना जो वोट है प्रॉक्सी वोटिंग के थ्रू। वहां के जो एजेंट्स है वहां के इन जो पोलिंग एजेंट्स लगा के रखा है इन का जो मशीनरी है वहां के लोगों को मिसगाइड करके बहुत लोग कोशिश कर रहे थे कि प्रॉक्सी वोटिंग करके इनको कुछ भी करके जाना है क्योंकि दिस मैन किरण रिजिजू हैज नॉट परफॉर्म, उसका परफॉर्मेंस नहीं था। तो वहां के लोग का सेंटिमेंट्स है और दे डू नॉट वॉन्ट टू वोट द नॉन परफॉर्मिंग जो एनपीए हो गया ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं। सो दिस सिटिंग एमपी मिस्टर किरण रिजिजू हैज बिकम ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड हेंस इट इज प्रूव्ड फ्रॉम द जो इनका जो रैंकिंग है वर्स्ट परफॉर्मिंग जो एमपी का जो लिस्ट है उसमें हमारा किरण रिजिजू टॉप करता है नीचे से। तो उसका उसको लेके सेंटीमेंट जरूर था लेकिन ये अनकंटेस्ट का सीनारी क्रिएट करने के कारण और हमारा जो पोलिटिकल एलिट्स है इन लोग कोशिश कर रहे थे कि जहां जहां अनकंटेस्ट हुआ है वहां उसका एमपी को बहुमत पूरा बहुमत देना चल के ये जीत भी नहीं रहे ये काम भी नहीं कर रहे तभी भी इसको जिताना है ये गवर्नमेंट का पॉलिसी चल रहा था। इसको लेके इसका प्रेशर में आके बहुत लोग जो है प्रॉक्सी वोटिंग बहुत किया वहां के एजेंट्स लोग उसको लेके कल बहुत सारा कंप्लेंट मुझे मिला था एंड देन रात को मैं जीरो भी पहुंचा था इस चीज को बात करने के लिए देखने के लिए एसेस करने के लिए मैं और मेरा टीम पहुंचे थे जीरो। तो ये चीज जो है अपतली कम्युनिटी जो एडवांस सोसाइटी हम लोग का सबसे पढ़ा लिखा और सबसे इंटेलेक्चुअल जो सोसाइटी है जो कभी जीरो वैल्यू में ये चीज कभी देखा नहीं गया था। इनफैक्ट हम लोग ये सोचते था कि ये समझता है कि जीरो वैल्यू जो है हमेशा सबसे अच्छा एक डिसीजन लेता है कैपेबल लोग है। तो इस बार लेकिन वो जो सोच है उसका ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो हमारा जीरो कम्युनिटी जो है जीरो वैल्यू की जो कम्युनिटी है हमको पता है आप लोग बहुत दिल से ये चेंज ये बदलाव को आप लोग साथ देता है और बहुत लोग कोशिश भी किया कि वो करने के लिए साथ देने के लिए अभी भी चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग आवाज को दबाने के लिए बहुत कोशिश किया गया है। एंड आई होप कि ये जो इस बार का जो प्रयास है जो रूलिंग पार्टी की तरफ से अपने सिटिंग एमपी जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे उसको जबरदस्ती बचाने के लिए जो प्रयास करके आप लोग आवाज को दबाने के लिए जो किया है उस पर आप लोग जो अगले जो चुनाव होगा उसमें गौर करेगा और जो है ऐसे अननेसेसरी प्रेशर जो सोसाइटी के हित में नहीं है ऐसे को आप लोग जो है कलेक्टिवली जो एक एडवांस सोसाइटी के हिसाब से उसको टैकल करके और बेहतर परफॉर्म करेगा और बेहतर एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में हेल्प करेगा विदाउट एनी प्रेशर किसी भी तरीके का प्रेशर कोई पॉलिटिकल प्रेशर से नहीं कोई रिलीजियस लीडर का प्रेशर में नहीं आके कोई एक्स वाई जेड के प्रेशर में नहीं सिर्फ और सिर्फ अपने दिल का बात सुन के आप लोग सही लीडर को सेलेक्ट करने में जो आज तक आप लोग करते आया वो अगली बार दोबारा जो इस बार हुआ है वो नहीं होके आप लोग उसको बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे ये हमारा उम्मीद है। और यहाँ में देखा गया कि जो इलेक्शन का जो प्रोसेस जब चल रहा था जब वोटिंग शुरू हो गया था 19th को बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में दूर दराज में जो है इस बार का इलेक्शन जो बहुत यूनिक है एमपी का इलेक्शन वो इसलिए है क्योंकि इस बार जो है पहली बार शायद से नवम तो किसार पॉलिटिक्स खेला अपने करियर में पहली बार उन्होंने इतना पैसा फेंका इतना वो किया जहां जगह जगह जाके 2-3 लाख रुपए फेंका जहां जगह जाके मीटिंग वो किया ऑफर किया। आई थिंक तुकी साहब है पहली बार अपना जो 30 ईयर्स का जो पॉलिटिकल का जो तजुर्बा है उसको इस बार यूज किया और उसने अपना कोई भी कसर नहीं छोड़ा कोई भी कसर नहीं छोड़ा इस बार को करने के लिए। और इसमें जो है सबसे वर्स्ट जो पॉलिटिक्स है रिलीजन को लेकर खेलने का भी निर्णय लिया ये आपका एमपी कैंडिडेट बनेगा ये आपका जो आवाज जाके उधर सेंटर में बात करेगा ऐसे लीडर लोग है। तो सब एवरी सिंगल वन इज इनटू पॉलिटिक्स वो अपने गेम खेल रहा है और बहुत लोग जो है हमारा दुख के साथ बोलना पड़ता है कि बहुत लोग जो है पढ़ा लिखा लोग भी मिसगाइड हो चुका है उसके कारण से उसका तरफ जाके ये रिलीजियस पे ऊपर में ये करके वो करके एक प्रेशर डालता। और यहाँ में हमारा कुछ लीडर्स है जो ऊपर से पढ़ा लिखा तो दिखता है लेकिन उसका सोच जो है उसका कॉन्साइज जो है सही जगह में नहीं है इन लोग उसको प्रमोट करते हैं और तरीका तरीका का नोटिस निकलता है ये अनपढ़ ये पढ़ा लिखे तो है इन लोग डिस आर
literate people but uneducated leaders. This appear to guide misguide the public. बुरी तरीके से पब्लिक को मिसगाइड करते हैं, गांव गांव में बस्ती बस्ती में जाके मिसकंसेप्शन फैलाते हैं, रिलीजियस के ऊपर में पॉलिटिक्स खेलता है, ये बहुत बुरा हुआ। और इस चीज को हम लोग पढ़ा लिखा लोग भी जब साथ देता है, ये अरुणाचल को एक बहुत गंदा एक सिचुएशन में डालने का प्रयास है, क्योंकि इन लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अभी के समय में पॉलिटिक्स करके कल को जाके आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री एंड अरुणाचल से ज्यादा सेक्युलर स्टेट को हैविली, इसीलिए हमारा ये उम्मीद था कि बहुत लोग है इसके ऊपर आके आके इस चीज को अपने निर्णय लेगा, और बहुत लोग लिया भी है, उसके लिए हम बहुत खुश भी है। लेकिन कुछ लोग है हमेशा से सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, अगली बार है जो है ऐसे चुनाव में आप इनसे बच के रहेगा, ये जो लिटरेट बट अनएजुकेटेड सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स जो है आगे आके और यहाँ में जो कुछ मिसगाइड करता है जो कम्युनिटी लीडर्स लोग है और जो रिलीजियस लीडर्स लोग है, तो मैं इनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, पूरा अरुणाचल शायद से पता है मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये ट्रेंड बहुत गलत है, इसको भी आप लोग जो क्वेश्चन करना है इसका अगर भी वो करना है बात करना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कि ये जो है अरुणाचल में रुकना चाहिए, पॉलिटिक्स और रिलीजन को बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, और जो लीडर जो है पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स करता है वो आपका आवाज कभी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि जब उसका सोच ही ऐसे है, जब वो सेकुलर में सोच पाता है तो आपके लिए आपके बच्चा के लिए हमारे लिए क्या बात करेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ अपना प्लेट से मतलब है, उसका प्लेट में खाना मिल जाए तो वही उसके लिए सब कुछ है। इन लोग से दूर रह के बैठना है, ऐसे लोग से जो है अंधभक्त होते हैं वो, कि इन लोग पर विश्वास नहीं करना, अंधा भी विश्वास नहीं करना। देन यहाँ में एक चीज ये भी देखा गया कि जहां जहां पोलिंग स्टेशन था इस बार जो है एमपी का इलेक्शन बहुत ही यूनिक हुआ, बहुत ही ऐसा इलेक्शन शायद से अरुणाचल में आज तक नहीं हुआ, स्पेशली एमपी को लेके कभी नहीं हुआ। और ये लोग जो है उसमें अरुणाचल को जो एग्जिस्टिंग एक प्योरिटी था इलेक्शन में उसको भी खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, वो चाहे किरण रिजिजू से हो, चाहे वो नाभम तुकी हो, चाहे वो कोई भी हो आया हो, इन लोग जो है इस पर इतना पैसा का बरसात किया है, जो चीज जो मनी कल्चर का एगेंस्ट ये तीन तेची राणा खड़ा था, ये पूरा अरुणाचल का यूथ खड़ा था, उसी को कोई कसर नहीं छोड़ा कि उसको प्रमोट करने के लिए। यहां ये देखा गया कि एमपी के लिए जो पोलिंग लाइन में जो लोग वोट मारने के लिए लाइन में लगा हुआ था वहां जाके यहां तक देखा गया कि वहां 15-15 हजार एक इंसान को दे रहा था। सोचो आज तक जो लोकल इलेक्शन है एमएलए इलेक्शन, वहां में पैसा का फ्लो अरुणाचल में बहुत चीज हम विटनेस करते हैं, वो देखता भी है, उस चीज को हम रोकने की जो कोशिश करते हैं, लेकिन इस पर एमपी में भी वो जो करप्शन का जो प्रैक्टिस है उसको वहां भी डाल दिया। कुछ लोग कुछ लीडर है बोलते हैं जो एमपी में आते हैं जो सिटी में बोलते हैं वो आके स्कीम्स बांटते हैं, पब्लिक का पैसा को लेके पहले पहले बात देते हैं, कंट्रेक्टर लोग काम करने वालों को पूरा 5 से कुछ पैसा नहीं मिलेगा, वो पहले पूरा बात देते, जगह जगह जाता है करोड़ रुपया देके आता है, पोलिंग स्टेशन में जाके पैसे फिर बांटता है, वहां मीटिंग ऑफर करता है, और कुछ लोग है वहां जो लाइन में खड़ा है वोट करने के लिए उसको हाथ में पोलिंग डे को 15-15 हजार तक ऑफर कर रहा है। पूरा वेस्टर्न पार्लियामेंट में 16 डिस्ट्रिक्ट है, 16 डिस्ट्रिक्ट का पूरा पॉपुलेशन को निकल के आप किसी को 100 रुपए भी देता है बोलने से वो कितना रुपया आता है आप काउंट इमेजिन भी नहीं कर सकता है, यहाँ 15 हजार तक रेट लेके आया। ये इन लोगों का एक बिगेस्ट तरीका से चीज को मिसगाइड करने के लिए, आप लोग को थोड़ा सा पैसा देके आपको 5 साल आपको वोट को खरीदने के लिए, आपको ईमान को खरीदने के लिए, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट को खरीदने के लिए इन लोग इस कदर तक यहां तक गिर जाएगा, ये हम भी नहीं सोचा था, लेकिन इन लोग गिरा और अरुणाचल उस चीज को विटनेस किया है। तो आपने जो अभी भी इन लोगों को जो पैसा लेके वोट किया है आप लोग भी सोच के देखिएगा, जो है आप जो है अपना जो कीमती 5 साल जो है कैसे लीडर को आप चुन रहे हैं, और ये इंसान कल को जाके आपका लीडर बनेगा बोलते हैं, यही लोग जो है आगे जाके कल को एक अथॉरिटी में रहेगा, क्या इन लोग जो है आपका आवाज को सही मायने में रखेगा। 15 हजार करके पूरा 16 डिस्ट्रिक्ट आदमी को बांटने से ये इंसान अपना पैसा रिकवर करेगा या आपका आवाज उठाएगा या फिर इशू समाज के इशू को बात करेगा। तो बहुत लोग जो है इस चीज पे आप लोग गौर करना चाहिए। और यहां एक चीज ये भी बोलना चाहता हूं कि बहुत इंटरेस्टिंगली
इसी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये दिखाई गई है कि बहुत लोग जो है पैसा इन लोग से लेके भी, ये करप्शन का पैसा है, आपका पैसा पब्लिक पैसा को लेकर मिसगाइड जो करता है, अपने पॉकेट मनी तो खर्चा करता नहीं उन लोग, लेकिन उसमें भी लेके बहुत जागरूक पढ़ा लिखा लोग जो है, समझदार वेल एजुकेटेड एंड विजनरी लोग जो है, क्या किया इन लोग से पैसा लेके फिर भी चेंज के लिए तीन तेची राणा को वोट किया। ऐसे भी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज किया, सेंड किया कि ये सब चीज है अपडेट भेजा। तो इससे एक मैसेज तो लाउड एंड क्लियर, साफ तरीका से एक मैसेज तो हम लोग क्लियर भेजा कि अरुणाचल का जो यूथ है, यहाँ के युवा है, यहाँ का पढ़ा लिखा लोग है, यहाँ के जनता लोग है, इतना रियलाइजेशन आया है कि आप लोग इन लोग का जो वोट है, इन लोग जो सोच है, इन लोग जो दर्द है, इन लोग के इमोशंस है, आप इसको पैसा से खरीद नहीं सकता है। इन लोग जो है अरुणाचल में अगर आप काम नहीं करेगा तो आपको बदलना पड़ेगा, ये चीज इन लोगों ने दिखाया है। यहां में बहुत सारा लोग जो पैसा लेके भी सही कोर्स के लिए, सही जो इंसान खड़ा है उसके लिए वोट किया है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे सभी लोगों को मैं तहे दिल से टीम तेची राणा की तरफ से सलाम देना चाहता हूं कि आप लोग का कॉन्साइंस जो है वो सही जगह पे है, आप लोग को सोच साफ है, आप लोग को जो बदलाव है अरुणाचल में जो आना चाहिए सोचते, जो मनी कल्चर का अगेंस्ट में जो है, या फिर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है, उसका समझ आप लोग को है, और आप लोग जो है एक लेसन, एक वो किया, एक एग्जांपल सेट किया कि आपका ईमान, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट, आपका मोरल को पैसा से खरीद नहीं सकता है। और ये इन जो बड़ा बड़ा जो लीडर्स है, बहुत साल 15-20 साल 30 साल को बैठने वाला लोग है, इन लोग का जो पॉलिटिक्स करने का जो तरीका है, जो मनी बेस्ड पॉलिटिक्स आज तक किया, जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स आज तक किया, इन लोग का गाल पे एक बहुत जोर का तमाचा दिया है, एक थप्पड़ लगाया है इन लोग को कि आप लोग जो है अब सुधरने का टाइम आ गया है, कि आप लोग मेरा वोट खरीदने का कोई काबिल नहीं है, ना ही आप लोग का कोई औकात है, ये आप लोग ने भी दिखाया। इसके लिए वंस अगेन मेरे दिल से टीम तेची राणा की ओर से आई थैंक एवरी सिंगल कॉन्शियस पीपल जो हूएवर हैज स्टूड अप एंड हू हैज बीन एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स, कि आप लोग इन लोग का जो एक बुरा तरीका से जो एक वो था, एक एफर्ट था, कोशिश था, उसका चाल को आप लोग समझा, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। एंड यही चीज, यही स्पिरिट आगे आप लोग बरकरार रहे तो अरुणाचल में बदलाव जरूर आएगा, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो ये एक चीज था, बहुत यूनिक तरीका से बहुत उतल पुतल हुआ ये इलेक्शन में, ये शायद से एमपी का इलेक्शन अरुणाचल कभी ऐसे नहीं हुआ। तो इसमें जो है इट वॉज ए वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉट एक्चुअली। तो यहाँ में बहुत सारी चीज साफ साफ नजर आया, तो हमारे तरफ से ये एक चीज था। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस का बात करें तो इट वॉज एक्सपीरियंस का तो मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, जो प्यार, जो सपोर्ट, जो सेल्फलेसनेस आप लोगों ने दिखाया है एक अरुणाचल में एक बदलाव के लिए, उसमें जो है मैं जितना बोलूं उतना कम होगा कि इस बार अरुणाचल जो है सही मायने में एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो आना है उस चीज को फील किया है। और आप लोग जो है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आगे भी जितना अभी से चीज होगा उसमें आप लोग कॉन्शियसली ऐसे ही डिसीजन होगा। आप लोग ने दिखाया कि अरुणाचल में जो है इशू बेस्ड पॉलिटिक्स भी पॉसिबल है, अरुणाचल में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स भी हो सकता है, ये आप लोगों ने बताया। आप लोगों ने दिखाया कि यहां में बिना पैसा का भी कोई आके सही मुद्दा को बात करने से अरुणाचल एक साथ होकर उसके सपोर्ट में खड़ा रह सकता है, ये भी आप लोगों ने दिखाया। और आप लोगों ने ये भी देखा कि पैसा के दम पे आप हमको खरीद नहीं सकता, ये बोल के आप लोगों ने है जो स्टैब्लिश जो पॉलिटिशियंस है, या कि जो लोकल पॉलिटिशियंस है, जो रेगुलर पॉलिटिशियंस है, उन लोग का जो गाल पे एक तमाचा लगा के ये भी बताया कि आप हमारा वोट नहीं खरीद सकते, आपका उतना औकात नहीं कि आप हमारा वोट को खरीद सके, ये भी आप लोगों ने बहुत क्लियर बताया। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं बार बार बोलता हूं कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, और यहां जितने लोग भी इन्वॉल्व है एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट माय टीम, टीम तेची राणा को छोड़ के बाकी सब पॉलिटिक्स खेल रहे थे, और बहुत लोग उसके पीछे पागल भी है अभी भी, उस चीज को देख नहीं पाया, लेकिन जितना लोग भी देख पाया मैं समझता हूं कि ये जो बदलाव का जो एक चेंज है वो शुरुआत हो चुका है अरुणाचल में। एंड
आई एम वेरी हैप्पी, आई एम डीपली वेरी टच्ड एंड हैप्पी दैट हम वो कोशिश एक प्लेटफॉर्म हम मैं और मेरा टीम जो है आप लोगों को दे पाया वो, और आप लोग जो है उस चीज का भरपूर एक प्रयास किया कि उस चीज में अटल रहने के लिए, उसमें काम करने के लिए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आई मस्ट से इट वॉज वेरी नाइस, इट वॉज वेरी गुड। और आप लोग बिल्कुल बिल्कुल भी चिंता मत करें, माई मेंटल हेल्थ एंड माई इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट एंड आई एम जस्ट डूइंग रियली रियली फाइन। थक जरूर गया है लेकिन हौसला अभी भी बुलंद है क्योंकि प्यार आप लोग ने ऐसे दिखाया है, आप लोग का सपोर्ट को देख के यही चीज जो है इट गिव्स मी मोर ड्राइव, वो गिव्स मी मोर एनर्जी टू कीप परसुइंग। ऐसे ही आप लोग जो है सही लीडर्स को है पकड़ के आगे भी प्रमोट कीजिएगा। और ओवरऑल एक्सपीरियंस का जितना भी बोलूँ इतना कम रहेगा। सो आई हैव रिसीव्ड प्यार जो है अरुणाचल हर एक कोना से बहुत प्यार मिला। तो बहुत लोग जो है इवन स्कूल गोइंग किड्स जो 18 भी नहीं है, इन लोगों की तरफ से भी बहुत प्यार दिखाया मुझे, हर तरीके से सपोर्ट आप लोग दिया। आई एम रियली 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 वेरी टच्ड, सो थैंक यू सो मच। इट वॉज एन ओवरऑल वेरी 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 डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड ए वेरी लर्निंग वन। और उसके लिए इसका जो पूरा फुल क्रेडिट जो है पूरा अरुणाचल को जाता है, क्योंकि आज तक हम तो कभी नहीं सोचा था कि अरुणाचल के हर एक कोना में जाके इतना प्यार भी मिल सकता है बोल के। लेकिन जब यहाँ से निकल के जो पॉलिटिक्स में घूमने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट टूर में गया, वहाँ मुझे पता चला कि अरे इस कंट्री साइड में तो इतना प्यार है, इतना समझदार लोग हैं, इतना वार्मथ है, इतना रिगार्ड्स है और रो इमोशंस है। इस चीज का अंदाजा शायद से बहुत लोगों को नहीं है, और इसी चीज का जो इनोसेंस है, इनोसेंस के साथ जो एक आपको वो करता है, इसको इसका फायदा होता है कि इसको मिसगाइड करके ये जो सीजन पॉलिटिशियंस लोग है फ्री का एकदम मुफ्त में अपना जो काम निकाल के इन लोगों को मिसगाइड करके इतना साल से रखा हुआ था। दैट आई हैव फेल्ट एंड आई एम रियली हैप्पी दैट कि ये चीज भी एक्सपीरियंस किया, और यहाँ का जो लोग हैं इन लोगों को सही डायरेक्शन दिखाने के लिए एक प्रयास हमारा तरफ से भी होना चाहिए, और जो कोशिश हमने किया उसके थ्रू बहुत प्यार मिला। सो वंस अगेन रियली वेरी 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 थैंक यू टू ऑल द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सभी उन लोगों को जिन्होंने आगे आगे बढ़ चढ़ के एक बदलाव के लिए ये बेटा को, ये भाई को, ये दोस्त को, आप लोग जो है बिना अगर पॉलिटिशियन नहीं भी है और एक्सपीरियंसेस भी नहीं रखा तभी भी उसका सोच के साथ में आप लोग जो है अपना समर्थन दिया, अपना साथ दिया, अपना सहयोग दिया, अपना हेल्प दिया, हर कोई तरीका का हॉस्पिटल की रिगार्ड्स दिया, उसके लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई विल स्टार्ट टेकिंग इन अ फ्यू मिनट्स। आप लोगों की तरफ जितना भी कुछ क्वेश्चंस होता है जहां तक मैं एड्रेस कर सकता हूं, तो कुछ देर में आई विल स्टार्ट टेकिंग दोस क्वेश्चंस। एंड यहां में एक चीज है जो पैसा का लूर है, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जो पैसा में अपने वोट्स को दोबारा मत बेचेगा। अगर आप लोग 500 1000 रुपये किसी भी आदमी से लेके खुद का वोट किसी और को देता है, स्पेशली मैं एमपी वाला जो इलेक्शन है इसके लिए बात करूँ, 500 रुपये में तो बहुत सारा लोग अपना डिसीजन भी बदल रहा था। वहीं कुछ लोग हैं जो जिनको 10-15 हज़ार देने का भी वो जाके पीएम तेजस्वी राणा को वोट कर रहा था, इट्स अ मिक्स फीलिंग। लेकिन जो लोग हैं मैं पहले से बोल रहा था कि 500 1000 में जो अपना वोट बेच देता है, आप लोग कैलकुलेट करके देखिए 500 रुपये में आप अपना वोट, अपना रेस्पेक्ट, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को बेच रहे हैं 5 साल के लिए। आप इसको डिवाइड करके देखिए कि एक दिन में आपका इनकम कितना हुआ, तो वो जो 1 रुपये भी नहीं बनता है, 0.27 पैसे। आपका जो एक दिन का कमाई है वो 0.27 पैसे है, 50 पैसा भी नहीं होता है, 1 रुपये भूल जाओ। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एक मजदूर, जो एक लेबर, जो हर एक दिन रास्ते में खड़ा करके जो लेबर होता है खुद को सेल्फ एम्प्लॉय करने के लिए, उस दिन का एक दिन का जो उसका लेबर चार्ज होता है उनका 600-700 रुपये होता है। तो आप देखिए, आप अपना वोट, पढ़ा लिखा इंसान है बोलता है, जानकारी इंसान लोग है बोलता है, वेल टू डू फैमिली से बोलता है, दूर वक्त का रोटी मिलने मिलता है कम से कम आप लोगों को, आप लोग जो खुद को 500 रुपये के लिए बेच रहे हैं, मतलब 0.27 पैसे पर डे। तो ये बहुत सोचने समझने अलग चीज है, बहुत दुख से बोलना पड़ता है। इसीलिए इलेक्टोरल एजुकेशन जो है
वो इलेक्टोरली लिटरेट होना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम लोग बोलते हैं बिहार, बिहार को हम लोग बीमारू स्टेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, कनेक्टिविटी सब बाकी स्टेट से बहुत पिछड़ा हुआ है बोल के, तो बिहार को हम लोग बोलते हैं बीमारू स्टेट है बोल के। लेकिन आप लोग अगर पॉलिटिकल सिनारी देखने से, बिहार इज द मोस्ट लिटरेट इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन, इलेक्टोरल जो लिटरेसी है वो बिहार में सबसे ज्यादा है। यहाँ के लोग जो है सोच समझ के अपना लीडर को वो करता है, चुनता है। अगर कोई एक लीडर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस चीज को बदलने में भी टाइम नहीं लगाता है। ये पॉलिटिकली अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस अरुणाचल में भी आना बहुत जरूरी है। हर एक चीज पैसा से नहीं चलता है, तो यहां से पैसा का एक गुणगान गा के इतना चीज को गुमराह करके रखा है कि अगर आपके पास में पैसा है, अगर आपके पास में पैसा है तो शायद से ये पेन भी मंत्री बन जाएगा आपका, ये पेन भी अगर इसके पास बहुत पैसा है ये भी आपका एमपी बन सकता है, ये भी आपका एमएलए बन सकता है, ये भी आपका सीएम बन सकता है। ये सिस्टम अरुणाचल में चला के रखा है, तो आप लोग सोच जरूर सोचिए इस चीज पे। यहां से जो इलेक्टोरल इलेक्टोरल जो लिटरेसी है यहां से शुरू करना है। और इतना बोल के आप लोग को ये भी एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो इतना माल प्रैक्टिसेस वगैरह हो रहा था, जो कल का जो वोटिंग था, ओवरऑल जो है अरुणाचल में जो वोटिंग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ जगह से इंस्टांस ऐसे कुछ आया है कि जगह जगह से वहां में रीपोलिंग होने का, जो इलेक्टोरल वायलेंस है, ईवीएम को तोड़ दे कहीं में माल प्रैक्टिस कारण से झगड़ा हो गया, फिर ये हो गया, इसके कारण से कुछ जगह में रीपोलिंग अभी भी होना है। तो रीपोलिंग जितना भी पोलिंग स्टेशन है अभी तक मेरे पास जो खबर आया वो 7 पोलिंग स्टेशन का है। तो इस बार जो है इलेक्शन भले मोर और लेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पास में, कुछ जगह में अभी भी एक मौका है कि ये रिपोलिंग में आप लोग जो है ये जो गलती दोबारा मत कीजिएगा अपने लीडर को चुनने में, अपना ईमान को, अपने वोट को, अपना राइट को मत बेचिएगा। और जो कोशिश करता है मिसगाइड करके, थ्रू कोई पॉलिटिकल प्रेशर से, कोई फैमिली प्रेशर लगाते हैं, कोई सीनियर्स का प्रेशर लगाता है, कोई स्टूडेंट यूनियन का प्रेशर लगाता है, कोई तो या में रिलीजियस का ऊपर में खेल खेलता है, धर्म को लेकर जो खेल करके आपको ऊपर प्रेशर लगाता है, इन को बात बिल्कुल नहीं सुनना। यहाँ एक मौका है, जहां भी रिपोलिंग हो रहा है आप लोग जो है बढ़ चढ़ के ह्यूज नंबर्स में हर एक घर से निकाल के आप वोट कीजिए। जो एब्सेंटी का जो रेशियो है अभी तक जो देख रहा था उसको बिल्कुल बिल्कुल वो मत कीजिएगा, मना कीजिएगा। सब लोग बढ़ चढ़ कर अगर 1200 आदमी वहां के रजिस्टर्ड वोटर्स, 1200 का 1200 आदमी आके अपना ही हाथ से, किसी को बात वोट करने नहीं देना है, अपना ही इस इंग्लिश से अपना वोट खुद जाके ईवीएम बटन पर प्रेस करना है। ये आप लोग का स्टैंड होना चाहिए, और जितना लोग हैं सब लोग आगे आके वोट करना है। अगर माँ पिताजी, अम्मा बाबा गाँव में बैठ के, बस्ती में बैठ के अभी भी मिसगाइडेड है, किसी का रिलीजियस के ऊपर में, रिलीजियस लीडर के ऊपर कारण से मिसगाइड है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर कारण से मिसगाइड है, इन लोग को अभी भी समझाना है। आप लोग भी वोट कीजिए, पैसा बिल्कुल नहीं लेना है। कोई आप लोग अपना 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, किसी का मीटिंग में मीट खा के उसे गलत इंसान को चुन के कोई फायदा नहीं है, आज है कल नहीं है। इसीलिए आप लोग जो है इस बार सब लोग जो है, जहां जहां आपका रिपोलिंग होना है, आप लोग बढ़ चढ़ के आगे आएगा और अपना जो वोट है उसमें कीजिएगा। और इसमें टीम तेची राणा की तरफ से, हम लोग की तरफ से भी स्पेशल अपील रहेगा कि आप लोग जो है जहां कहीं भी हो, जो भी सपोर्ट हमें एक्सटेंड कर सकता है वॉलंटियर के हिसाब से, फिजिकली, मॉरली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हमें ये जो जंग है, जो अभी भी कई जगह में जंग भले अंत तक आ गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, जितना भी हमारा जो वार अभी बचा हुआ है, जो फाइट बचा हुआ है, आप लोग अपना सपोर्ट, अपना हेल्प बढ़ चढ़ के सपोर्ट कीजिएगा। हम लोग वॉलेंटियर्स का नंबर आप लोगों के पास में ऑलरेडी है, और हमारा जो पेज है, पेज के थ्रू भी आप लोग जो हम लोग रीच आउट कर सकते हैं। जो भी वॉलंटियर्स विलिंग है यहाँ आके हम लोग सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। और ये जो रिपोलिंग जहाँ होना है, यहाँ में फिर से आखिरी एक मौका है आप लोग को दिखाने के लिए कि अरुणाचल में पॉलिटिक्स कैसे किया जाता है। इस बार ये भी दिखा सकते हैं कि ये जो एमपी का पोस्ट आप लोग अपना प्रॉपर्टी समझ कर रखा है आज तक, कि यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव कैसे काम करना चाहिए, आपका लीडर कैसे होना चाहिए, ये डिसाइड करने का एक और लास्ट मौका दे रहा है। तो पूरा अरुणाचल से ये एक
रिक्वेस्ट रहेगा जहां भी रिपोलिंग होना है आप लोग जो है अपना जो अगर आप सो रहे अभी भी जाग जाओ और वहां से आगे आके एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को एक सही मायने में एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो प्रमोट करना है एक ट्रू इलेक्टोरल प्रोसेस को आप लोग उसमें अपने बच्चा के लिए सोच के अपने बेटा के लिए सोच के अपने भाई के लिए सोच के अपने बहन के लिए सोच के अरुणाचल के फ्यूचर के लिए सोच के यहाँ सोसाइटी समाज के लिए सोच के आप लोग जो है इस बार को वोटिंग बिना किसी इन्फ्लुएंस का आगे बढ़ के बढ़ चढ़ के वोट कीजिएगा। ये रिपोलिंग जहां जहां होना है उन सभी लोगों से मेरा फिर से अपने तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा। और इतना बोल के मैं चाहता हूं कि ये जो लाइव सेशन है इसमें आज का जो मेन मुद्दा ये था कि आप लोगों का जितना प्यार मुझे मिला क्योंकि मैं पॉलिटिशियन तो है हूं नहीं जितना भी आज तक कोशिश किया बस रूम में बैठ के एक अच्छा नौकरी लेगा सोच के 12-12 घंटा पढ़ाई करता था। पिछले 9 साल से बहुत बार टोकर खाया कभी 1 मार्क्स आउट कर देते कभी 2 मार्क्स आउट करते बहुत स्ट्रगल करने के बाद में ये एक सिस्टम करप्शन का अगेंस्ट फाइट करते करते आज आप लोग सामने जिस पोजीशन में हूँ यहाँ आप लोग के सामने आया था। तो लेकिन यहाँ मैं आप लोग जो है मेरा जो भी सोच है मेरा टीम का सोच को आप लोग बहुत प्यार दिखाया बहुत सपोर्ट दिया बहुत हेल्प किया अनकंडीशनली सेल्फलेस हो के उसके लिए हम चाहता था कि आप लोग को एक बार दिल से मेरा थैंक यू और आप लोग को शुक्रिया बोलना चाहता था और हमारा ग्रीटिंग्स हमारा रिगार्ड्स उन सभी लोगों के साथ है जो हम लोग के साथ समर्थन किया हम लोग के साथ सोचा हम लोग के साथ अपना जो सोच है उसमें हम लोग के साथ में एक रीजनिंग कर पाया उन सभी लोगों को और पूरा अरुणाचल की जनता को हमारे तरफ से टीम तेची रहना की तरफ से वंस अगेन थैंक यू सो मच थैंक यू पीपल एंड टुगेदर यू एंड आई हैव शोन दैट इफ वी स्टैंड टुगेदर नॉट इवन द रूलिंग एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट रिगार्डलेस ऑफ द पोजिशन दे आर होल्डिंग be the chief minister, be the member of parliament, union minister or former CM. No one can misguide you hereafter and the average citizen, the learned citizen of Arunachal is ready and is willing to step up and voice against corruption and bring about the true political revolution if it needs to be. And this message has been sent loud and clear. And I hope that आगे जाके अरुणाचल एक बेहतर समझ बन के ही उतरेगा यहाँ से। इतना बोल के जो मेरा तरफ से जो सेशन है जितना बोलना था मैं यही तक रखता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की तरफ से कुछ क्वेश्चन जो यहाँ अगर आप लोगों की तरफ से है तो मैं लेना चाहूँगा और जाते जाते एक क्षमा भी मांगना चाहूँगा। आई एम रियली सॉरी कि आज का जो शेड्यूल है वो 8 बजे से स्टार्ट होना था लेकिन ड्यू टू हैक्टिक शेड्यूल प्रायर एंगेजमेंट के कारण से 8 बजे शुरू नहीं हो पाया जिसे आप लोगों को नोटिस डाला था। ये शुरू हुआ 8:30 बजे तो आधा घंटा लेट होने के कारण से लेट होने के लिए मेरा तरफ से बहुत बहुत सॉरी एंड ये मेरा तरफ से एपोलॉजी रहेगा। तो आई टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप लोग पास में कुछ है देर आर सो मेनी क्वेश्चन आई टेक जितना भी मैं आंसर कर पाऊंगा आई टेक एंड देन हमारे जो क्वेरीज है क्वेरी सेक्शन आप लोग जो हमारे कमेंट सेक्शन में नहीं होके भी पेज में भी डाल सकते हैं। हमारे टीम जो है और मैं खुद आप लोग का जो जितना रेस्पॉन्सेस होगा वो मुझ तक पहुंचाएंगे क्वेरीज पहुंचाएंगे एंड आई विल ट्राई एंड रेस्पॉन्स वन इन वन एंड आई एम रियली सॉरी बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह कॉल्स वगैरह आते हैं तो बीच में कभी कभार आप लोग रेस्पॉन्स नहीं कर पाते तो कभी देर से करता हूँ तो आप बुरा मत मानिएगा। मेरे तरफ से मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को एक एक को रिप्लाई रेस्पॉन्स करने के लिए तो बीच में कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो आप लोग प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी एंड लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड सम क्वेश्चंस। समवन इज आस्किंग अबाउट द एक्सपीरियंस सो आई थिंक मोरलेस एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने बताया है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड देन बहुत इंकरेजमेंट मिलता है आप लोगों का ये हिम्मत को देख के कोई आप लोग का बेटा आप लोग का भाई आप लोग का दोस्त
एक सेक्रीफाइस करके एक आगे आया, उस चीज को आप लोगों ने पहचाना और खुद सेल्फलेस होकर बहुत इस चीज में पार्टिसिपेट किया, तो इट वॉज शायद से अरुणाचल में ऐसे कभी नहीं हुआ और शायद से आगे और समय में कभी होगा कि भी नहीं, लेकिन आई होप दिस इज नॉट द लास्ट टाइम। तो द एक्सपीरियंस इज रियली 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 अनमैचबल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ में बहुत सारा क्वेश्चन है, आई एम अनेबल टू टेक बिकॉज ये लाइव सेशन का समय में स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ऊपर जाने का तो वापस सेम पेज नीचे आ रहा है। एंड यूजुअली आई एम नॉट ए वेरी सोशली वेरी एक्टिव पर्सन ऑल्सो, मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव वैसे नहीं रहता हूँ अपनी निजी जिंदगी में, तो जब से यहाँ ये पेज खोला है और ये पॉलिटिक्स में वेंचरिज्म करने का डिसीजन लिया था हमारा टीम, तब से पहली बार लाइव सेशन वगैरह कर, आई थिंक दिस इज माई थर्ड लाइव सेशन, तो आई एम नॉट यूज टू दिस, तो अगर कुछ मिस आउट हो रहा है बोलने से बिल्कुल मुझे माफ कर दीजिएगा, और किसी को कुछ खराब भी बोला है बोलने से तभी माफ कर दीजिएगा। समवन इज आस्किंग मी अगर इलेक्शन नहीं जीता तो फ्यूचर का प्लान या स्टूडेंट्स के लिए कुछ एडवाइस। यस आई थिंक मोर और लेस जो एडवाइस है मैंने नॉट जस्ट स्टूडेंट कम्युनिटी बट ओवरऑल पूरा अरुणाचल के मैंने दिया है, वो ये कि अपना जो सोच है, अपना जो विजन है, अपना जो इंस्टिंक्ट है उसको बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ लोग हिम्मत करके सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आगे आता है, तो उसको रोकने वाला बहुत लोग होता है और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं कि कुछ लोग क्या सोचेगा सोच के, आप लोग चुप हो जाते हैं। तो अगर आप लोग कुछ कुछ चीज गलत हो रहा है उसको आप चुप बैठता है, तो आई थिंक यू आर इक्वली कमिटिंग द क्राइम। तो जहां आप लोग को लगता है कि चीज गलत हो रहा है तो इतना हिम्मत रखिएगा कि खड़े होके गलत को गलत ही बोले, सही को सही ही बोले, और अपने इंस्टिंक्ट को है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छा कर भी रहा है तभी भी कुछ लोग तो मिलेगा जो आपको गाली करेगा, गाली गलौज करेगा, उसे डरना नहीं है, और कुछ खराब कर रहा है तभी भी बोलने वाले मिलेगा। तो इधर वेज इवन इफ यू आर परफॉर्मिंग नॉट परफॉर्म समवन विल ऑलवेज बी देयर टू ड्रैग यू डाउन, सो नेवर बी बॉदर्ड अबाउट दोस थिंग्स। अपना जो सोच है, अपना जो एजुकेशन है, अपने माता पिता जी आपके ऊपर मेहनत जो पढ़ाई करते हैं, स्पेशली द यूथ्स जो आप लोग के ऊपर में इतना इन्वेस्ट करता है, उसका वैल्यू को आप लोग समझो। इसलिए जो है जितना हिम्मत दिखा सकता है दिखाना है वो करना है, लेकिन सही कोर्स के लिए इंटीग्रिटी साफ होना है, सोच साफ होना है, तब जाके जहां एक भी आदमी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है स्टैंड योर ग्राउंड वो कीजिएगा। ये मेरे तरफ से एडवाइस रहेगा। और फ्यूचर प्लानिंग का मेरा आई वांटेड टू गिव अरुणाचल ए प्लेटफॉर्म वेयर ये जो शुरुआत है एक सही मायने में एक इतिहास में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने का एक मौका देना था, एंड आई थिंक पीपल हैज रियली रेस्पोंडेड वेल एंड दिस गिव्स मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कल का नहीं पता कि बिकॉज फ्यूचर यू यू कैन नेवर से, बट एज लॉन्ग एज मेरा कमिटमेंट को लेके है, एज लॉन्ग एज मेरा रोड मैप को लेके है, इट्स वेरी क्लियर ये सोशल जो वर्क है, कंट्रीब्यूशन है बिहाइंड द सीन फॉर फ्रंट पे नहीं आके भी, देर इज नो ब्रेनर, में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि आई विल स्टिल ऑलवेज बी वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। समाज के हित में कुछ भी जो कर सकता है वो अपने कैपेसिटी में करते रहेंगे, चाहे उसके लिए मुझे लाइम लाइट में आना पड़े या नहीं आना पड़े। आज तक तो लाइम लाइट में नहीं आके ही कर रहा था, तो दैट इज माई कमिटमेंट, वो मेरा सोसाइटी को लेकर कमिटमेंट है, वो हमेशा जारी रहेगा। और आप लोग यदि मुझे पॉलिटिकल रोड मैप नहीं रखता है बोलने से, तो अभी शायद से इलेक्शन प्रोसेस खत्म भी नहीं हुआ है, तो देयर इज टाइम, विल सिट डाउन एंड आप लोग को बताया जाएगा कि रोड मैप क्या होगा। लेकिन हमारा टीम का जो सोच है उसमें देयर इज रोड मैप जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ में, तो दैट थिंग इज ऑलवेज ऑलवेज ओपन एंड आई विल बी वेरी मच बी पार्ट ऑफ दैट, आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, इन एनी कैपेसिटी आई कैन हेल्प और कंट्रीब्यूट। तो हमारा सोच हमारा प्रॉब्लम क्लियर है, एंड इफ यू आर आस्किंग मी एज एन एस्पायरेंट फॉर माई सेल्फ, आई एम स्टिल एन एस्पायरेंट, मैं अभी भी एक एस्पायरेंट हूँ, मेरा दिल साफ है। तो अभी आप अगर मुझे कोई पूछता है कि आप एग्जाम लिखेगा कि नहीं, तो अभी ये सवाल भी साथ से बहुत लोग के दिल में होता होगा, तो आई एम स्टिल सही, आई विल बी राइटिंग दोस एग्जामिनेशन वन सेकेंड, APPCS का एग्जामिनेशन हो, UPSC का एग्जामिनेशन हो, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया, मेरे पेरेंट लोग जो है बहुत इन्वेस्ट किया,
और मैं खुद का प्रिपरेशन को लेकर जो कॉन्फिडेंस है अभी भी बहुत ज्यादा है। रिगार्डलेस हम अभी वो एग्जाम्स में आई विल स्टिल बी पार्टिसिपेटिंग, इवन इफ अगर ये चीज जो है कल को रिजल्ट आने के बाद में आप लोग का प्यार के कारण प्यार से मैं एमपी बन भी जाता हूँ बोलने से, तभी भी मेरा कमिटमेंट है कि हम यूपीएससी एग्जाम कभी भी लिखेगा। और शायद से अरुणाचल में ही नहीं, ये इंडिया में पहली बार होगा कि कोई सिटिंग एमपी जो है यूपीएससी एग्जाम भी लिख रहा होगा बोल के। तो दैट इज माई कमिटमेंट, दैट इज माई लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो एज ए स्टूडेंट ऑल्सो आई एम प्योरली स्टूडेंट, एक नॉर्मल सा एक साधारण लड़का है आप लोग के जैसे। तो मेरा कमिटमेंट हमेशा अगर सोशल एक्टिविज्म में हो, समाज के लिए काम करना हो या फिर पॉलिटिकल लाइन में जाके आगे जो करना है, मेरा कमिटमेंट हमेशा 100% रहेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड आई होप कि आप लोग जो है अपना कंट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से, आप अपने पार्टिसिपेशन सपोर्ट जो है प्यार जो है वैसे ही बढ़ता रहेगा। और जो लोग हिम्मत करके आगे आते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं वैसे लोगों को और प्रमोट करेगा आप लोग, ये हमारा आशा है आप लोगों से यहाँ में। एंड इफ किरण रिजिजू विन देन आपका सोच क्या होगा कि अरुणाचल कारण होगा ना, व्हाट इज दिस, हाँ सॉरी क्वेश्चन पर देन इट गॉट स्वॉप। हाँ इफ किरण रिजिजू विन देन आपका सोच क्या होगा कि अरुणाचल खराब होगा ना अच्छा। देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि बार बार मैंने बोला हुआ है ये जो तेची राणा जो है ये पॉलिटिशियन नहीं है, और ये किसी भी जो व्यक्तिगत रूप में है इंडिविजुअल लेवल पे ये किसी का पर्सनल दुश्मनी मेरा किसी से नहीं है, ना ही मुझे किरण रिजिजू इन पर्सन से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ना ही नागम तुकी जी से कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना ही तौको शीतल जी से है, ना ही पेमा खांडू से, ना ही कोई पार्टी से है, चाहे वो बीजेपी हो, पीपी हो, कांग्रेस हो, एनपीपी हो, एनसीपी हो, कोई सा भी, मुझे इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन हाँ जब तक आप एक पोजीशन में है वहां बैठ के आप अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपके पोजीशन को मैं पॉलिसीज को हमेशा आई बी क्रिटिसाइजिंग, मैंने आज तक क्रिटिसाइज करके आया अगर अच्छा काम नहीं कर रहे बोलने से, तो कल भी करता रहूंगा आज भी कर रहा हूं। लेकिन अगर यहां मैं आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आप लोग के सामने एक एमपी कैंडिडेट के सामने, तो जाहिर सी बात है कि मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, मैं इसीलिए आप लोगों के सामने खड़ा हूँ क्योंकि मुझे मजबूर किया गया है। और ऐसे आप लोग जैसे मजबूर वाला बहुत लोग है, मेरा जैसे मजबूर वाला लोग, लेकिन कोई आगे नहीं आ पा रहा, दिल से हर कोई सोचता है कि बदलाव आना चाहिए, तो ये सोच के आगे मैं इसलिए भी आया क्योंकि दिस पीपल ये लोग जो है जो खुद को बड़ा बड़ा लीडर है बोलते, एक्सपीरियंस है बोलते, पैसा है बोलते, पॉपुलर फेस है बोलते, इन लोग कहीं का नहीं रह गया, इन लोग भूल गए कि हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक हमको प्यार करके वोट करके भेजा वोट के, इन लोग अपने ड्यूटी करना से बंद कर दिया, इसलिए आज हम खड़ा है। तो अगर अभी अब जिसने वो क्वेश्चन पूछा रिजिजू जीत जाते हैं बोलने से अच्छा होगा या खराब होगा अरुणाचल के लिए, वो तो जनता आप लोग ही डिसाइड कीजिए, मेरा काम तो आप लोग को मौका देना। और आज अरुणाचल में इतना सारा इश्यूज चल रहा है वो आप लोग को पता है, आप लोग देख भी रहे पिछले 2 साल से, या कोई यूथ या कोई यंगस्टर्स या कोई माँ पिताजी जो है फूट फूट के रो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, जेल जा रहे हैं, धरना रैली करके सड़क पे सो रहा है। तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा इस चीज को, तो अच्छा होगा या खराब होगा, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कि अरुणाचल खुश नहीं है, इसलिए मैं भी आज आप लोगों के सामने इस पोजीशन में आज खड़ा हूं। आई एम नॉट हैप्पी एंड इफ यू पीपल आर हैप्पी दैट इज योर कॉल, बट आई नो फॉर श्योर दैट देर आर मेनी पीपल हु वांट्स चेंज एंड दैट चेंज इज बिकॉज the people sitting at the helm of the affairs at the respectable positions at the power and authority in log jo apna kaam nahi kar raha hai, to arunachal ko dobara aise logo ko elect karna hai bolne se wo bhi uska decision aap logo ka upar hai, mera akela se kuch nahi hoga, hum bas koshish hi kar sakte hain aur humne wo platform dene ke liye koshish kiya, to acha kharab isme main zyada wo nahi karunga, lekin certainly jo cheez aaj tak chal raha hai jiske karan se na khush jo emotion hai frustration hai सेम इंसान को अलग करेगा तो उसे और बढ़ेगा, उसे कम नहीं होगा, तो वो विजडम वो सोच मैं जनता आप लोगों को ऊपर ही छोड़ता हूं। एंड लेट्स सी इफ देयर इज एनी, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस बट देन विद इन ऑल द कमेंट्स इट इज गेटिंग मिक्स्ड अप, तो दिखाई नहीं दे रहा है।
So guys, I think I'm getting mixed up. I'm getting lost. I'm getting lost within your comments. I'm unable to segregate the questions because there are comments. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उसी बीच में कहीं कहीं में क्वेश्चंस आ रहे तो देख नहीं पा रहा हूँ. तो मोर और लेस ये मेरे तरफ से आप लोग की तरफ से एक बातचीत कर रहा था आप लोगों से, अब क्योंकि जनता मुझे बहुत प्यार दिखाया. तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा. एंड आप लोग फिर से बता दूं कि हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है अभी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, तो उसको याद रखिएगा आप लोग. जो बढ़ चढ़ के इस बार जो है, अगर ये जो प्रैक्टिसेस है पैसा दिखा के लूर करने का, पॉलिटिकल प्रेशर डाल के, लीडर का प्रेशर डाल के, फैमिली के प्रेशर डाल के, सोसाइटी का प्रेशर डाल के, रिलीजियस धर्म के ऊपर में पॉलिटिक्स खेल के जो आदमी आ रहा है, इन लोग को जड़ से उखड़ कर फेंकना है. और गवर्नमेंट को भी दिखाना है कि आप लोग जो है गलत था, यहाँ में बिना पैसा का भी पॉलिटिक्स कर सकता है, यहाँ में आप लोग हम लोग गुमराह और नहीं कर सकता है, सपोर्ट कीजिएगा. तो ये जो लाइव सेशन है, हम लोग इंट्रक्शन पॉइंट को यहाँ में रखते हैं. टाइम बहुत देर हो गया. आई विश एवरी वन अ वेरी बेस्ट इन योर लाइफ, इन योर इंडिविजुअल्स, एंड आई विश एवरी वन अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ, पीस, प्रॉस्पेरिटी, एंड आई विश एवरी वन इज कीपिंग वेल एंड डूइंग हेल्थ. आप लोग जो है अपना अपना जिंदगी में अच्छा करके प्रोग्रेस कीजिए, अच्छा सोच लेके, स्ट्रेंथ लेके सही काम कीजिएगा. अपना सोच इंटेग्रिटी हमेशा साफ रखिएगा. एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है. सो ह्यूमैनिटी must prevail, and that you have shown this time, and with lots of love and prayers, I'll take due from here. आज के बाद जो इंट्रक्शन प्रोग्राम है, लाइव सेशन यहीं पर रखता हूँ. गुड नाइट एवरीवन. थैंक यू अरुणाचल, थैंक यू सो मच. अगले जो सेशन है वहाँ मिलते हैं बहुत जल्द. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.